स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम किसी जर्नल स्टोर के आइटम्स को कैसे इंक्लूड करेंगे और कैसे सेल करेंगे और उसका बेनिफिशियल बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, टैली 9.0 पर डबल क्लिक करेंगे, टैली स्क्रीन खुल जाएगी, एस्केप बटन दबा देते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, F1 पर सेट कंपनी है, वहीं पर सेलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी होगा। तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे हम लोग, कंपनी संबंधित जो भी डिटेल है या जनरल स्टोर संबंधित जो भी डिटेल है यहाँ पे भरेंगे। मनीष जनरल स्टोर करके मैंने एक जनरल स्टोर कर दिया जो भोजपुर एड्रेस से बिलोंग करता है, यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। बाय डिफॉल्ट पिन कोड रहने देते हैं, नहीं तो आवश्यकता अनुसार इसको परिवर्तन भी कर दिया जाएगा। 2000 हमने 24 कर दिया तो 2024 में एंट्री इसकी स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करा दिया हमने। यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएशन का काम खत्म हुआ, यहाँ पे कंपनी स्टार्ट माने बनना स्टार्ट हो गई है, फाइनल हो रहा है, 100% हो जाएगा, कंपनी बन जाएगी, फिर इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा मनीष जनरल स्टोर, इधर आपका गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर इन्फो में अकाउंटिंग इन्फो के अंतर्गत जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लेजर क्रिएशन होगा, मल्टीपल करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, अंडरवुड कैपिटल अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ट्रांसपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, लेबर चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसमें इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत जाएंगे हम लोग, जहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट देखिएगा। ठीक है, जैसे पीसीएस अगर पीस में बेचना है तो पीसीएस हो जाएगा, फॉर्मल पीसीएस हो जाएगा, केजी फॉर्मल किलोग्राम, डजन, डजन के लिए डीजेड कर देंगे डजन। अब इसको एक्सेप्ट करा देंगे। जब हमारा काम खत्म हुआ अभी स्केप करते हैं, इसको स्टॉक आइटम्स बनाते हैं, मल्टीपल क्रिएशन करेंगे। जैसे डिटर्जेंट पाउडर प्राइमरी रहेगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिटर्जेंट पाउडर पीस में बेचता है कि डजन में बेचता है कि केजी में बेचता है। जैसे डिटर्जेंट केजी में बिकता है 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, जिससे आगे चल के इशू नहीं हो।
केजी करके हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। सोप पीसीएस में होता है, शैम्पू डजन के हिसाब से बिकता है और पीसेस के हिसाब से बनता है। फिलहाल पीसेस के हिसाब से ब्रश पीसेस क्लोजअप पीसेस बिस्किट पीसेस अब यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं। स्किप बटन करके हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में फर्स्ट ऑफ ऑल उस जनरल स्टोर के लिए पूंजी लगाएंगे जो कैपिटल अकाउंट के में होगा। 50,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। देखिए उस जनरल स्टोर के खाते में 50,000 रुपया क्रेडिट हो चुका है। इसको एक्सेप्ट करा के हम यहाँ से निकल जाएंगे। परचेज के लिए F9 का इस्तेमाल करेंगे। रेफरेंस नंबर जो भी आपका हो दे सकते हैं। पार्टी कैश दे रही है, कैश ठीक है। एड्रेस सेलटेक्स नंबर हो सकता है तो वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे परचेज करेंगे, जैसे डी करेंगे तो डिटर्जेंट पाउडर यहाँ पे शो कर रहा है। क्वांटिटी जैसे डिटर्जेंट पाउडर का हमने ले लिया कितना, 5 kg। रेट मैंने तय कर लिया 45 रुपये। देखिए ऑटो कैलकुलेट होके आ जा रहा है। सोप हो गया, सोप 12 पीस एट द रेट ऑफ 12 रुपीस। शैम्पू, शैम्पू आ गया, शैम्पू 12 पीस रेट आपका 75 रुपये हो जाएगा। ब्रश बीस पीस ले लिया, ब्रश जो 7 रुपये के हिसाब से है। क्लोजअप हो गया 20 पीस 8 रुपये के हिसाब से। और बिस्किट हो गया 12 पीस 4 रुपये के हिसाब से। देखिए यहाँ पे जो पीस है पीसेस में दिखा रहा है, केजी है तो केजी में दिखा रहा है। इसको एक्सेप्ट करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अब इसको सेल करना है। सेल करने के लिए रेफरेंस नंबर, सेल्स रेफरेंस नंबर भी होता है ठीक है। ये पार्टी डिस्पैच नंबर जिस आदमी को डिटेल भेजेंगे हम, उसका सारा डिटेल, डिस्पैच कोड, ऑर्डर नंबर, पेमेंट मोड कैश या बैंक अकाउंट या UPI, जो भी डिटेल होगा यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट करा के इससे बाहर आ जाएंगे सेल के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे डिटर्जेंट पाउडर 3 पीस 3 kg बेचा हमने 50 रुपीस के हिसाब से। सोप, सोप सेल किया 6 रुपीस, यानी 6 पीस हो जाएगा यहाँ पे, रुपीस हमने बोला सॉरी 6 पीस 15 रुपये के हिसाब से। शैम्पू हो गया आपका, शैम्पू आपका 6 पीस हमें बेचा 80 रुपये के हिसाब से। ब्रश हो गया आपका, ब्रश हमने 10 बेचा 12 रुपये के हिसाब से। क्लोजअप खरीदा बेच दिया हमने, क्लोजअप हमने बेचा 12 पीस 8 रुपये के हिसाब से। 8 नहीं, फर्दर रखेंगे ना अमाउंट सेल करने के लिए 10 रुपये रखेंगे ठीक है। बिस्किट
बिस्किट 12 पीस 10 रुपए के हिसाब से, ये हमने बेचने वाला काम ख़त्म किया अपना, एक्सेप्ट करा दिया। अब पेमेंट प्रोसीजर भाई, इसके दौरान यातायात खर्च, लेबर चार्ज जो भी होगा ए 5 के अंतर्गत जाएंगे। पेमेंट के हिसाब से देखिए, पेमेंट स्क्रीन ऑन हो गया, अब इसको कैश करके निकलेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज 200 रुपये हमने डाल दिया, लेबर चार्ज हमने 300 रुपये डाल दिया, और अतिरिक्त खर्च होगा तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, बाकी एक्सेप्ट कराएंगे। अब स्केप करके हम मास्टर पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टेरिन में। यहाँ पे आके हम देखेंगे बैलेंस शीट, क्या देखेंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे कैपिटल 50,000 से स्टार्ट हुआ, फीस एसेस 49,709 रुपये है, प्रॉफिट एंड लॉस में 291 शो कर रहा है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 291 रुपये का बेनिफिशियल हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टार देख सकते हैं, ब्रश हमारा शुरुआत में कितना था वो कर सकते हैं, 20 पीस था 140 के हिसाब से, आउट ऑफ ऑर्डर मैंने जितना निकल गया, क्वांटिटी पड़ा हुआ 10 है। ऐसे करके हम एक एक करके अपना टोटल डिटेल देख सकते हैं, क्लोजअप का भी देख सकते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर का भी देख सकते हैं, शैम्पू का भी देख सकते हैं, और सोप का भी देख सकते हैं, ठीक। अब सेल किया है वो देख सकते हैं हम, सेल में क्या है, क्या मैंने सेल किया, डिस्क्रिप्शन जो भी है यहाँ पे कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप करके निकल जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ सामग्री क्या है, 10 पीस ब्रश है, 8 पीस क्लोजअप है, डिटर्जेंट पाउडर है, शैम्पू है, सोप है, जो भी है रेट के हिसाब से सब शो कर रहा है। तो ऐसे हम निकालेंगे किसी जनरल स्टोर पे, जनरल एंट्री करके उस जनरल स्टोर का प्रॉफिट एंड लॉस, सेल और परचेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।